बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। जब से रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, तब से बॉलीवुड के कई बड़े हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम सामने आने के बाद अब बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा दीपिका पादुकोण भी फंसती नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी अब ड्रग एंगल के सिलसिले में दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा और श्रुति मोदी से एनसीबी ने पूछताछ की। उसके बाद जया साहा ने एनसीबी के साथ बातचीत में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में जया साहा और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच बातचीत के चैट सामने आई है। चैट सामने आने के बाद अदाकारा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने ड्रग्स एक्सेस के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीबी को लीड मिलने पर दीपिका पादुकोण को भी समन भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में एनसीबी को डी नाम का जिक्र मिला है। लंबी जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि ये डी और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार दीपिका पादुकोण है। चैट्स में दीपिका ने अपने मैनेजर से पूछा है कि क्या उसके पास माल है। करिश्मा जवाब में कहती है लेकिन घर पर, मैं अभी बांद्रा में हूँ, अगर आपको चाहिए तो अमित से कह देती हूँ। दीपिका ने लिखा हाँ प्लीज, साथ ही पूछा हैसना गांजा नहीं। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्टर की टैलेंट मैनेजर जया साहा की चैट जया को दिखाई, फिर जया ने स्वीकार किया वो इन चैट्स का हिस्सा थी। इस पूछताछ में जया के मोबाइल से रिट्रीव हुए डाटा से ये पता चला है कि ड्रग्स के बारे में पूछा करते थे। माना जा रहा है कि रिया के बाद जया साहा बॉलीवुड के ड्रग्स कार्टल को लेकर अहम लिंक हो सकती हैं। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद जांच कर रही एनसीबी अब धीरे धीरे बॉलीवुड की उस ड्रग चेन को क्रैक करने की तरफ बढ़ रही है जो काफ़ी पहले से एक्टिव है। अब तक इस मामले में 5 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं जिन पर तलवार लटकती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।